हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और ट्रांसपोर्ट अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए लेके आया हूं एक न्यू वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कैसे होता है और ऑनलाइन और ऑफलाइन अप्लाई करने के प्रोसीजर के बारे में। हाँ जी दोस्तों, तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो भारत में ड्राइविंग लाइसेंस एक ऐसा ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है जो आपको देश भर में वाहन चलाने की अनुमति देता है। और ड्राइविंग लाइसेंस 20 साल या फिर जब तक ड्राइविंग लाइसेंस धारक 50 साल का नहीं हो जाता तब तक यह याद रहता है। और ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद आप इसे आसानी से रिन्यू करवा सकते हैं। और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए अनिवार्य है जो पब्लिक रोड पर कार या बाइक चलाते हैं। और ऐसे लोगों को लाइसेंस रखना अनिवार्य है। और अगर लाइसेंस बनवाए बगैर ही आप पब्लिक रोड पर ड्राइविंग या बाइक राइडिंग करते हैं तो आपका चालान कट सकता है और यहाँ तक कि आपका वाहन भी सीज हो सकता है। और आपको बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद आपको 30 दिनों यानी एक महीने का समय मिलता है और तब तक आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए आपको लगभग 200 रुपये की फ़ीस जमा करनी पड़ती है और यह फ़ीस अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं लाइसेंस को रिन्यू कैसे करवाते हैं। अगर आप DL रिन्यू करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको परिवहन बोर्ड की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है जो मेन्यू के लेफ्ट साइड पर होता है। और अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक करना होता है और अब आपको अपना संबंधित राज्य चुनना होगा। और अब आप एक नए पेज पर रीडायरेक्ट कर दिए जाते हैं। यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन के बाद सिलेक्ट सर्विसेज ऑन ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करना होता है और इसके बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं जिसमें आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना बताया जाएगा। और इस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के लिए बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और अब आपको अपनी जन्म तिथि और करंट लाइसेंस नंबर पिन कोड के साथ अन्य डिटेल्स भरनी होगी। और अब आप रिक्वायर्ड सर्विसेज पर आएंगे जिसमें वह सर्विसेज दिखाई जाएगी जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ज़रूरी होगी और यहाँ पर आपको रिन्यूअल सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको पर्सनल और वाहन संबंधित डिटेल्स को भरना होगा जो फॉर्म में भरी होगी। और अब आपको अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं और ध्यान रहे कि यह फीचर सिर्फ कुछ ही राज्यों में अवेलेबल है। अगर आपके मेडिकल सर्टिफिकेट में कुछ बदलाव है तो आपको टेस्ट के लिए एक स्लॉट बुक करना पड़ेगा। और एक बार आप इन स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं तो आप सीधे एक्नॉलेजमेंट पेज पर रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन आईडी देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको अपनी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS भी प्राप्त होगा। और लाइसेंस रिन्यू करने के लिए आपको 200 का अमाउंट देना पड़ेगा जो आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ ऑफलाइन DL को अप्लाई कैसे किया जाता है। अगर आप DL रिन्यू के लिए ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले RTO ऑफिस पर जाना पड़ेगा। यहाँ से आपको फॉर्म 9 खरीदना पड़ेगा और इस फॉर्म में आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे और जेल में NOC लेटर भी होगा। अगर आप किसी अन्य राज्य में रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं और इस फॉर्म में आपको अपनी वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल भरनी होगी, साथ ही अपनी फ़ोटो भी लगानी होगी। और अब आपको 200 रुपये की फ़ीस भरनी पड़ेगी। और अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट में कोई बदलाव हुए हैं तो आपको टेस्ट स्लॉट बुक करना पड़ेगा और इसके बाद आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना पड़ेगा। फिर अगर आप पास हो जाते हैं तो अगले ही दिन आपको ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।